बिफोर यू डाई जो फिल्म कोलकाता में इस 22 तारीख से शूटिंग चालू होगी, लेकिन उससे पहले कोलकाता में आप चुके हैं मुकेश ऋषि जी, उनको अलग से परिचय करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं उनको। वेलकम टू वी स्पॉट यू सर, आप कैसे हो, पहली दफा है क्या कोलकाता या आप पहले भी आ चुके हो? पहले तो नमस्कार कोलकाता, नहीं मैं बहुत बार आ चुका हूँ और लास्ट कई विजिट तो शूटिंग के लिए ही हुई यहाँ पे। मैंने तेलुगु फिल्म भी किया है, एक बंगाली फिल्म भी किया है और कई बार आया। बिफोर यू डाई अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मरने से पहले पांच ऐसे ख्वाब जो आप मरने से पहले आप यू नीड टू फुलफिल, यू वॉन्ट टू फुलफिल, आप क्या है वो? इतना दूर का नहीं सोचता हूँ मैं, क्योंकि सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिंदगी जो है ये चलता हुआ एक गाड़ी है, ये कहाँ रुकेगी आपको नहीं मालूम है, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली ये सोचिए कि जो हमको दिया है भगवान ने, जो वो एक टाइम आएगा हमको उसका वापस करना है, उस कंट्रीब्यूशन जो हमने इकट्ठा किया है अपनी ज़िंदगी में उसको कभी ना कभी वापस करना है। माँ बाप अपने बच्चों तक पहुँचाते हैं, लेकिन हम लोग लकी हैं एक्टर लोग कि हमें बाहर से बहुत प्रेम मिलता है, तो वो चीज़ें जो हमारे पास होंगी वो उनको वापस देंगे। किसी को कुछ सवाल करना है इसके बारे में, तो यही चीज़ें होती हैं हर इंसान अपनी ज़िंदगी में इस तरह ही करता है। बिफोर यू डाई में आपका क्या किरदार है? मैं इसमें एक दोस्त की भूमिका निभा रहा हूँ और मुझे वही बातें अच्छी लगी जब हमारे दो दोस्त का जो आपस का रिश्ता है उसमें खटास है, तो और दूसरी तरफ वही पे फादर एंड डॉटर की कहानी है और एक तरफ दो यंग लवर्स हैं उनकी कहानी है, लेकिन है सब रिश्तों के बीच में ही, किस तरह उनके बीच में मजबूरियां हैं परेशानियां हैं, तो ये वो जो वही कहानी का मुझे जो रूप है बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगा कि ये फिल्म का हिस्सा बनना चाहिए। कोलकाता में शूटिंग हो रही है और वो भी पूरा मतलब शुरू से लेकर एंड तक फुल कोलकाता में शूटिंग होगी, तो आपने क्या प्लान किया है? मतलब कोलकाता में शूटिंग होगी तो यानी कोलकाता के आसपास आप घूमेंगे या खाएंगे खाना आप, या फिर मतलब जो फिटनेस दिख रहा है वो तो लग तो नहीं रहा कि आप मिठाई या वो सब कुछ खाते हो? नहीं सब कुछ खाता हूँ मैं, कमाल है यार, इधर आएंगे तो रसगुल्ला नहीं खाएंगे, सब खाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितना खाना है, तो ये तो आप मतलब हर आदमी को पता है ना ओवर ईटिंग कैसे कैसे बचना, अगर वो उतना कर लें तो सब कुछ खाए, क्योंकि हर चीज़ कोई चीज़ ख़राब नहीं है हमारे लिए, मेरे लिए कोई चीज़ ख़राब नहीं है, लेकिन कितना खाना इतना आपके ऊपर समझ और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कलकत्ता में खाने के लिए बहुत कुछ है ये तो आपको पता है और मुझे भी पता है, फिश बहुत है और सब तरह की चीज़ें यहाँ पे मिश्रित हुई है, ये बहुत बहुत ज़बरदस्त है। तो शूटिंग में पहली प्रायोरिटी तो शूटिंग रहती है, तो उसके बीच में जो छुट्टी मिलती है फिर आगे पीछे हम लोग चले जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, कभी कभी हो सकता है किसी स्ट्रीट में चले जाएँ, कुछ ऐसा कुछ बांध के सर के ऊपर टोपी ओपी तो वहाँ चले जाएँ, वहाँ गोलगप्पे खा के आ जाएंगे, ऐसा करते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, जो जहाँ जाओ वहाँ की चीज़ें, वहाँ का माहौल, वहाँ का मूड, वहाँ की जनता का आव भाव चलना, ये सब यही है, एक्टर का काम क्या है, हम यही ग्रैब करते रहते हैं और फिर उसे दिमाग में रख लेते हैं, कभी कहीं पे वो चीज़ें इस्तेमाल भी हो जाती हैं। अगर मैं आपके सवाल पूछूं कि मुकेश जी व्हाट ईट्स इन अ डे, सो आप क्या कहेंगे, मतलब आपका दिन शुरुआत कैसे होती है? मैं कुछ एक फिक्स नहीं है मेरे, ये बात सही है कि मैं लाइट खाने वाला हूँ, मैं फ्रूट से भी ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ अगर फ्रूट के साथ, क्योंकि एक चीज़ तय है मेरा कि मैं टाइम पे खाना पसंद करता हूँ, मेरा 9 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, फिर उससे मेरे पास टाइम है तो मैं जिम जाता हूँ, फिर मुझे 1:15 के अंदर डेढ़ से अंदर मेरा बस चले तो लंच हो जाना चाहिए, फिर शाम को मैं कुछ खाता नहीं हूँ, टाइम हो तो वॉक कर लिया, कुछ लाइट भी नहीं लेता, पसंद नहीं करता फिर, क्योंकि इवनिंग को आप खा सकते हो, मैं खाता इसी तरह हूँ लेकिन थोड़ा सा कम खा लेते हैं, ज़्यादा वो घर का खाना पसंद कर रहे हैं। और एक सवाल है कि ऐसा ये सब कोई पूछ रहा है कि सेलिब्रिटीज़ लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं और डिनर में क्या खाते हैं, जो आपका फिटनेस दिख रहा है वो तो लग रहा है मतलब आप बहुत कुछ मेंटेन करके आप मतलब हर चीज़ खाते हो, क्या है उसमें? देखिए हर घर का खाना ख़राब हो ही नहीं सकता, हर घर का खाना अच्छा होता है, लेकिन यस कभी कभी आप एक लेवल के ऊपर के स्पोर्ट्समैन बनते हो तो आपको खास चीज़ें खानी चाहिए, वो समझ तो आपको जैसे आप ग्रो करें, कुछ माँ बाप सिखाते हैं, कुछ आपको पता चलता है आप क्या खाना चाहिए। आप अगर मुझे समोसा खाना है तो मैं, आप रोज़ समोसा कैसे खा सकते हो, तो जिस दिन खाना है भाई, थिएटर जाएंगे, पॉपकॉर्न भी खाएंगे, समोसा भी खाएंगे, तो उसके आगे फिर आप कंट्रोल कर लो, नेक्स्ट फुल डे आप पास है, आप ठीक कर सकते हो अपने आप को,
तो ये खाओ, सब कुछ खाने के लिए बना है, लेकिन कितना खाना है उसका ध्यान रखो। यस, हम लोग एक एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है हमको किसी तरह, वो हमारी हमारा एक सिस्टम जो बना है, और उसके लिए मैं वो पाउडर ये सब चीज़ें मैं नहीं लेता हूँ, इसलिए मेरी जो भी ताकत आती है वो प्रोटीन जो होता है, दाल में प्रोटीन है, राजमा में हो या इस तरह की जो चीज़ें, उन्हीं में से वही बंदोबस्त, बॉयल अंडा खा लिया कभी, और वो भी कोई ऐसा नहीं है कि अंडा ही खाना है, नहीं ऐसा नहीं, सब कुछ खाना है सर, जो घर में बनता है सब वही खाना है। ऐसे अगर और एक सवाल है दिमाग में आ रहा है कि जैसे होता है ना, कई कई लोग ऐसे होते हैं कि एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर दोबारा खाना खा रहे हैं फिर दोबारा एक्सरसाइज, मतलब वही क्रैश डाइटिंग फिर हो जाता है या फिर इंटरमीडिएट मील्स हो जाते हैं, तो आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो? पहले तो ये तरीका ही नहीं होता कि खाया फिर एक्सरसाइज फिर खाया, ऐसा होता ही नहीं है। एक्सरसाइज का एक सिस्टम होता है, ये आप सुबह कर लीजिए, बीच में कर लीजिए, उससे पहले दो ढाई घंटे पहले आप कुछ नहीं खाते हो, क्योंकि आपका वो सिस्टम है, अगर आपका पेट फुल होगा तो एक्सरसाइज आप कर ही नहीं पाओगे, वॉमिटिंग आएगा आपको, तो वो जो करता है उसको समझ में आ जाता है, तो उसी तरह करते हैं कुछ लोग, बीच में कुछ फ्रूट उट खाते रहते हैं, वो ठीक बात है, उनको पता है भूख लग रहा है लेकिन फ्रूट खाएंगे, हल्का चीज़ खाएंगे, भूख भी हो जाए, कुछ एनर्जी भी मिल जाए। कुछ लोग इस तरह के आजकल मिलते हैं उस तरह प्रोटीन शेक या इस तरह का कुछ लेते रहते हैं वो सब लोग। आपके हिसाब से हेल्दी अल्कोहलिक ड्रिंक क्या होना चाहिए? हेल्दी कुछ भी करो सर, लेकिन उसकी लिमिट पता होनी चाहिए। आप क्या दूध दो तीन चार ग्लास पी सकते हो? नहीं पी सकते। क्या एक लीटर से ज़्यादा पानी एक साथ पी सकते हो? नहीं पियो। तो अल्कोहल का भी वही सिस्टम है, आप एक मूड बनता है अच्छा लगता है अगर, तो उतना ही होना चाहिए ना जितना पी सकते हो। अगर उसको पी के मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी कर दी या कोई किसी को तंग कर दिया तो फिर वो गलत बात है। तो कोई भी चीज़ जो बनी हुई है जो लीगल है ये सब है ना, लेकिन इनके तरीके तो हमको पता होना चाहिए। ये थोड़ी कोई आगे सिखाएगा यार कि तुम इस तरह अल्कोहल मत पियो यार, ये तो आपको समझना है कि कोई गलती बात नहीं होनी चाहिए, इन्जॉय। नाइस टॉकिंग टू यू सर। लेकिन जाने से पहले जो हमारे दर्शक है वी स्पॉट यू के, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि दोस्तों कोरोना भी ख़त्म नहीं हुआ अभी, देखिए हम लोग भी बॉम्बे से आए हैं, मेरे दोनों इंजेक्शन लगे हुए हैं, अगर इंजेक्शन ना लगे होते तो शायद मैं यहाँ ना आ पाता। तो हमें ट्रेवल करने के लिए विद इन इंडिया भी हमको दोनों इंजेक्शन हमारे पास होने चाहिए, एक तो ये सोच लीजिए, और दूसरी बात ध्यान में रखिए कि कोरोना बाबू अभी गया, इसको अभी भी हमने बिल्कुल अलर्ट रहना है, और ये एक ऐसा विलन है, ये वापस जब भी आने की कोशिश करेगा, और इसमें हम सबको हीरो बन के उसको डिस्ट्रॉय करना।